एक और भी इत्तेहादी गवर्नमेंट बन सकती है ना, ऐसी कौन सा मसला? एक क्यों तो वो दूसरी कैसे बनेगी भाई? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान, ये काफ़ी नंबर है। और वजीर आजम कौन होगा? बैरिस्टर गौर हो सकते हैं क्या इसमें भाई? तुम रूल आउट तो नहीं कर सकते ना यार। सवाल ना पूछना नहीं चाहता क्योंकि मुझे एक शख्स से ना तकरीबन मोहब्बत हो चुकी है, आधी आधी मोहब्बत। वो कौन है? शहबाज शरीफ साहब। पहले तो ताकतवर था ना, नदी हो गई। मेरी मोहब्बत तो आधी हो चुकी, आधी मोहब्बत तो है ना। क्या वो वजीर आजम है? तो जुबान है आपकी काली, अब पता नहीं अब क्या जवाब दें। क्या वो इस सारे सिनेरियो के बाद आपको पाकिस्तान के वजीर आजम रहते नजर आ रहे हैं अगले 4.5 साल? मुश्किल है। मेरा अपना ख्याल है अगर इवेंचुअली आइन में तरमीम, देखिए आइन में तरमीम तो होनी है, होनी है, हर सूरत कुछ ना कुछ होनी है, आइनी तरमीम होनी है, होनी है। एंड क्रेडिट गोज टू तब शहबाज शरीफ? नहीं, उस सूरत में ऑल क्रेडिट विल गो टू फर्स्ट मौलाना, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले रुकावट डाली कि यार एक ही भी कर दो, दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। देन पीपल्स पार्टी वॉक्ड फॉरवर्ड। और इसमें अगर साथ में मिसाक जमहूरियत, वो पार्लीमान के नाम पर कुछ कह रहे हैं कि देखिए आप वो जो बंदे गिरफ्तार हुए थे आज उनको रहा कर दिया गया है। हाँ, वो घर चले भी गए। अब वो प्रोडक्शन यू नो ऑर्डर वगैरह, अब ये जो बहलाया फुसलाया, ये जो नाजो अदा बर्दाश्त किए जा रहे हैं पीटीआई के लोगों की, तो एक और भी इत्तेहादी गवर्नमेंट बन सकती है ना, ऐसी कौन सा मसला? एक क्यों तो वो दूसरी कैसे बनेगी भाई? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान, ये काफ़ी नंबर है। और वजीर आजम कौन होगा? बैरिस्टर गौर हो सकते हैं क्या इसमें भाई? तुम रूल आउट तो नहीं कर सकते ना यार। ये कैसे भाई, आइन के अंदर तहरीका तो एतमाद है ना। हाँ, हाँ। क्या ख्याल है? तो अब मुझे, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये मैं खबर नहीं दे रहा हूँ कि तुम बाद में मेरे क्लिप चला रहे हो। क्या नवाज शरीफ का दस्तर आपके इम्कान नहीं? मियाँ साहब को तो यार इन्होंने देखो कितना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मियाँ साहब के साथ इससे बड़ी कोई ज्यादती हो सकती है कि पब्लिकली मैसेज ये जाता है कि वो इतने अरसे बाद आए थे, सियासी तौर पर थोड़ा सा मुतहरिक हुए और वो मौलाना फजलुर रहमान को विजिट करना। तो शहबाज शरीफ जो है वो बात मुकम्मल करें जहाँ मैं कर रहे थे आप 30 सेकंड में। यार मैं इधर वो जो हाथ बना होता है और को हाथ में वो क्या पांसा वो लेकर बैठा हूँ भाई, वो ये जो है उसके लिए ब्रेक वो एक यानी कोई एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ, उससे पूछ लेते हैं कि किसका सितारा है। शहबाज शरीफ साहब, अविश्वास साहब, मैंने काली जुबान आपके पीछे लगा दी। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इम्कानात को रद्द नहीं किया जा, और इम्कानात रोशन हो गए आपके वजीर आज़म। इन्होंने यही कहा, मैं